मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने दिखाया आईना, तो अमित शाह को भी मानना पड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का तरीका गलत था। सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ ने 16 नवंबर 2022 को देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद कोई चीफ जस्टिस हुआ हो जो इतनी चर्चा में रहा हो जितने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। सीजीआई ने पहली बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका को कमजोर समझते हुए न्यायपालिका की भूमिका को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। यूं कहा जाए कि चंद्रचूड़ के इस ऐतिहासिक फैसले से देश की मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी हड़कंप है, क्योंकि चंद्रचूड़ का यह फैसला भारतीय राजनीति में सभी दलों को आईना दिखाने के लिए एक नजीर बन गया है। जिस प्रकार से भारत के निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन को आज तक याद किया जाता है, उसी प्रकार से चंद्रचूड़ का राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने की प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला भी आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसलों से आप खुश हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमें सीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमित शाह को भी माननी पड़ी गलती। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक सोच की व्यापकता इस बात के लिए अनुकरणीय हो सकती है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा मांगे गए चुनावी चंदे की प्रक्रिया गलत थी। वे सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे मानते हैं कि इसमें सुधार की व्यापकता है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह स्कीम भारतीय राजनीति में काले धन के वर्चस्व को खत्म करने की पहल है, जिसे खत्म करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। किस पार्टी के कितने इलेक्टोरल बॉन्ड? अमित शाह के बयान में जो सबसे अच्छी बात स्वीकार करने लायक है वह यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो किया ही, लेकिन साथ ही उन सभी राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लिए जाने की प्रक्रिया का हिसाब देते हुए कहा, भाजपा के संसद सदस्यों की संख्या बल और अन्य दलों के संसद सदस्यों की संख्या बल की तुलना में इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि प्राप्त करने में भाजपा बहुत पीछे है। अमित शाह ने कहा कि ऐसी धारणा बनाई जा रही कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि वह सत्ता में है। उन्होंने इस विषय को लेकर भाजपा का पक्ष स्पष्ट करते हुए सबकी आंखें खोल दी और कहा कि कुल 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर सवाल उठाया कि बाकी बॉन्ड कहां गए। शाह के अनुसार टीएमसी को 1600 करोड़, कांग्रेस को 1400 करोड़, बीआरएस को 1200 करोड़, बीजेडी को 750 करोड़ और डीएमके को 639 करोड़ मिले। शाह कहते कि 303 सांसद होने के बावजूद हमें 600 करोड़ मिले हैं और बाकियों को 242 सांसदों के बावजूद 14,000 करोड़ मिले हैं। किस बात को लेकर हंगामा है? जिस तरह भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने के लिए काले धन का उपयोग करना पड़ता था, वह प्रक्रिया गलत थी, इसलिए यदि अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए ये कहने का साहस कर रहे हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया में व्यापक सुधार होना चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ तक सवाल है कि विपक्षी दलों का एवं मीडिया जगत का, जिन्होंने कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद इस प्रक्रिया को गलत बताने का साहस नहीं जुटाया, और यदि राहुल गांधी ने चिल्ला चलाकर खिल्ली उड़ाई है तो ये देखने और समझने की जरूरत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1400 करोड़ रुपए क्यों वसूले और जब वसूल रहे थे तब राहुल गांधी के मुंह में दही क्यों जम गया था। यह सवाल अब राहुल गांधी से पूछने के लिए लोकतंत्र का अदना सा मतदाता भी खड़ा हो जाए तो चौंकिएगा मत।